everyone, this is Yashika Tandon presenting you a very important video on general science. So human body is a very good machine. हमारे भगवान ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से बनाया है कि वो जैसे भी इन्वायरमेंट होता है उस तरीके से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती है. तो आज का क्वेश्चन जो था आपका ये था कि जो पीपल हैं जिनका हाई एल्टीट्यूड्स पे जो रहते हैं उनके रोजी चिक्स क्यों होते हैं, वाई, आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना था. ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट रेलवे एग्जामिनेशन आपके जितने भी एसएससी हो गया उसमें सब में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी. इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो लोग बहुत ही ऊँचाइयों पर पहाड़ों पर रहते हैं उनके रोजी चिक्स क्यों होते हैं. सबसे पहला आपको ये बात पता होनी चाहिए सबसे पहले कि व्हाट हैपेंस जब हम हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे रहते हैं. जब हम हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, जिससे हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेट पे होती है और जिससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी कम मात्रा में मिल पाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी को बहुत तरीके से इफ़ेक्ट होता है. यानी कि हाउ डज़ आवर लिविंग बॉडी इफेक्ट बाई हाई एल्टीट्यूड. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जिस तरीके से आपकी ब्रीथिंग होती है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, उसी तरीके से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, राइट. जब आप हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर रहते हो तो आपके जो बॉडी है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो इंक्रीज करने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है. इसके कारण ताकि आपकी जो बॉडी है आपके सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके. इसीलिए जो पीपल जो हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं जहाँ पे लो ऑक्सीजन मिलता है वहाँ पर लोगों को मतलब बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अबव एवरेज जो होते हैं आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इसी के कारण जो है आपके जो चिक्स हैं या आप देखो जो उनकी स्किन है वो काफ़ी रेडिश कलर में शो होती है. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन. देखो कितने इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को आराम से किया. सो बेसिकली इसी तरीके से हम अनअकैडमी प्लस में भी पढ़ते हैं. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत ही इजी तरीके से बता देती हूँ. ये कॉन्सेप्ट्स के ही तो खेल होता है कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होता है हम ईजिली उसको टारगेट कर सकते हैं. तो ऐसी ही पढ़ाई के लिए बहुत इजी तरीके से याद करने के लिए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें. और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे आगे आने वाले बैचेस के बारे में, जिसके बारे में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं आने वाले सभी एग्जामिनेशन को, लॉकडाउन के ये समय को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं.